सूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गधा क्या है, कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं चुप। अरे ये देख, टेन बैग की छोकरियां आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौनो गलत खबर दिया है साहेब? कौनो गलत खबर दिया है साहेब? ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहेब। हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके। बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? लगता है इन्हें ना महाभारत पढ़ा है ना बी आर चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहते हैं। तू ढिरामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया इको? ये क्या, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है? इसकी ये हिम्मत? शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमेशा दांत पाड़ता रहता है। शट अप। ये सब कहाँ गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमान जी भाग। अरे सुनिए सुनिए, भाग भाग जी भी। अरे जी भाग, पहले भाग, हट जाओ पीछे। अरे श्रीमान जी।